हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ परफेक्ट वी कटिंग, जिसमें कि हल्का आपको लेज़र का हिंट मिलेगा, बट ये प्रॉपर वी कटिंग है। अगर आप ये कट सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को कटिंग सीट वेयर करवा देना है। सो आप देख सकते हो, कटिंग सीट वेयर करवाने के बाद आपको अपने हेयर को अच्छे से वेट करवाना है, क्योंकि हेयर कट जब भी आप करते हो तो आपके हेयर अच्छे से वॉश होने चाहिए या फिर वेट होने चाहिए। तो शैम्पू इन्होंने सुबह में किया था, इस वजह से मैंने सिर्फ वेट करवाया है। उसके बाद आपको सेक्शन डिवाइड करना है, आपको सिर्फ मिडिल सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी कि बीच मांग आपको निकालना इस तरह से। देखिए, आपको जब मिडिल सेक्शन आप डिवाइड कर लो, उसके बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करना है इस तरह से। आई होप आपको ईयर टू ईयर सेक्शन पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी अदर कटिंग की वीडियो भी देख सकते हो। सो इस तरह से ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद उसे टाई कर लीजिए सेक्शन क्लिप की हेल्प से। मैंने भी सेक्शन क्लिप की हेल्प से उसे टाई कर लिया है। सो अब ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले अपने हेयर को इक्वल कट करना है। सो ये सीजर है, इस तरह से उसको पकड़ा जाता है, सीजर पॉइंट नीचे आपको रखनी है, देखिए, और फिर इस तरह के कॉम्ब आपको लेनी है। यानी अब देखिए आपको क्या करना है, आपको छोटा सा सेक्शन एक निकालना है इस तरह से। देखिए एकदम इक्वल, एकदम अच्छे से नीट सेक्शन निकालिए इस तरह से। देखिए आप 0 डिग्री पे पहले आप कटिंग कीजिए, वो भी इक्वल। देखिए ध्यान से, आप मैं आपको दिखा रही हूँ। सो आपको एकदम लेना है बालों को, और एकदम हल्का ही कट करना है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा लेंथ नहीं कटवानी थी। सो इतनी लेंथ में कट कर रही हूँ, आप देखिए। और आप देखिए मैं सीज़र को कैसे पकड़ रही हूँ, यानी कि सीज़र को पकड़ने का तरीका मैंने दिखाया है। सो आप समझिए, इस तरह से आपको 0 डिग्री पे, यानी 0 डिग्री यानी कि आपको एकदम अपने जो सीज़र को हॉरिजेंटल रखना है, और आपको इक्वल कटिंग करना है। पहले छोटा हमने सेक्शन कट किया, वो हमारा गाइडलाइन हो गया, उसी गाइडलाइन से मिलाते हुए लंबे बालों को कट कीजिए। देखिए अब जो बड़े बाल आपको दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा हो गए। सो कटिंग का मतलब ही वही होता है गाइस, जब आप गाइडलाइन क्रिएट कर लोगे ना, आपको समझ आएगा कि आपको कौन से बालों को कट करना है। सो देखिए, छोटे बाल आपको दिख रहे होंगे फिर से, क्योंकि मैंने पहले मिडिल में काटा था बालों को, अब उसी बालों से मिलाते हुए बड़े बालों को कट कर दीजिए सिंपली। इस तरह से आप इक्वल कटिंग घर पे कर सकते हो, अगर आपको इक्वल कटिंग सीखना है, सेम यही टेक्निक होता है। उसके बाद आपको री चेकिंग करना है। अब आप पूछोगे री चेकिंग क्या होता है, तो री चेकिंग का मतलब होता है गाइस, जब भी आप किसी हेयर को कट करते हो ना, आपको चेक करना पड़ता है 2 से 3 बार कि हमारे जो हेयर है वो परफेक्ट कट हुए या नहीं। सो देखिए कुछ बाल बड़े थे, सो मैंने उसे री चेकिंग किया। एक और तरह से री चेकिंग होता है, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से बालों को निकालिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटे लीजिए, इक्वल फिर कट कीजिए उसे, और आप ना कॉम की हेल्प से अब कट करोगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखिए इस तरह से आपको कॉम चलाते जाना है, और जो आपको एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं ना, आपको उसे कट करना है। अगर आप बिगनर से, आपके लिए ये ट्रिक बहुत इजी होगी हेयर कट के लिए, परफेक्ट हेयर कट आपका होगा अगर आप इक्वल कटिंग ही कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इक्वल से ही स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड आपको कर लेनी है, एकदम मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ। ऐसे तो ये वीडियो छोटी भी हो सकती थी, बट मैंने सोचा मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, आपको एकदम डिटेल में बताती हूँ। देखिए इस तरह से। सो आपका जब इक्वल कटिंग सही से होगा ना, उसके बाद आपका परफेक्ट वी कटिंग या फिर आप लेजर जो बोलो वो परफेक्ट आता है। इतना कट मैंने कर दिया, अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 सेक्शन में हेयर को इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 सेक्शन लीजिए सिंपल, एक सेक्शन को टाई कर दीजिए जिस सेक्शन के आप हेयर अभी कट नहीं कर रहे हो, और अब आपको पीछे वाले बालों को आगे वाले बालों से मर्ज करना है, क्योंकि पीछे वाला बाल हमने पहले कट कर चुका है तो वो हमारा गाइडलाइन हो गया, और आगे वाले बाल नए हैं। सो पीछे वाले हेयर यानी कि छोटे हैं और आगे वाले बाल बड़े हैं, सो उससे मिलाते हुए आपको बस इक्वल कटिंग कर देना है। मैं दिखाती हूँ, शोल्डर के जस्ट आपको पैरेलल लाना है, अभी मैं समझाऊँगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए शोल्डर कंधे से मैं आपको फिर 2 बार दिखाऊंगी एटलीस्ट। देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए एकदम पैरेलल आपको लेना, जो छोटे वाले बाल दिख रहे हैं आपको, देखिए ये छोटे वाले बाल हुए, उसी से मिलाते हुए बड़े बालों को कट कीजिए। ये एकदम परफेक्ट आपका, इसमें लेज़र आप बोल सकते हो या फिर परफेक्ट वी कटिंग बोल सकते हो। देखिए ये हल्का फुल्का ये लेज़र का हिंट देता है गाइस, क्योंकि आगे से ये थोड़ा सा आपको लेज़र टाइप का लगेगा। देखिए अब बड़े बालों को आपको कट करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
इस तरह से आप कट कीजिए वो भी इक्वल, आपका ऑटोमेटिक पीछे भी बन जाएगा। ये टेक्निक को फॉलो कीजिए, बस अपने शोल्डर से एकदम पैरेलल लाइए अपने बालों को। इस तरह से आप जब भी कटिंग करोगे ना, परफेक्ट वी आपका बनता है। आप इस ट्रिक से हेयर कट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बस कान के से आपको सारे बाल निकालने हैं। देख रहे होंगे आप, मैंने जितने भी ईयर होते हैं ईयर के पास से हेयर को निकाल लिया और एकदम स्लोप के साथ उसे लाया है, जस्ट पैरेलल अपने कंधे से, और बस इक्वल कट कर दिया। सिंपल यही ट्रिक उस साइड भी करना है आपको, और कुछ नहीं, बीच बीच में नोचिंग कर देना है बस। देखिए, और आपका वी कटिंग परफेक्ट बन जाता है एज यू कैन सी। सो इसी तरह मैंने दूसरे साइड भी कट किए, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। सो इस साइड भी आपको इसी तरह से कट कर लेना, और नोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करें फिनिशिंग लुक के लिए। सो इसके बाद क्या करना है आपको, पीछे वाले बाल को फिर आपको इस तरह से सीजर पॉइंट नीचे रख के कट करना है। देखिए ध्यान से, इससे क्या होता है, परफेक्ट हमारा वी बनता है। अगर आपको कोई भी हेयर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मैंने हल्का बालों को फिर से वेट किया क्योंकि बाल ड्राई हो चुके थे। देखिए इस तरह से सीजर पॉइंट नीचे, यानी कि जो सीजर की डायरेक्शन होती है ना वो नीचे है मेरी, ध्यान से देखिए। और इस तरह से भी आप वी बना सकते हो। मैं 2-3 बार एटलीस्ट रीचेक करती हूँ, क्योंकि एक परफेक्ट कट उसी को कहते हैं जब आप 2-3 बार रीचेक करो बालों को। एकदम सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी वे में मैंने आप लोग को बताया है। इस टेक्निक से आप काटिए, मुझे कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ईजी लगेगा। सो देखिए इस तरह से आप कट कर दो, उसके बाद आप सेट करो ब्लो ड्रायर से। एक बार सेट कर दोगे ना बालों को तो वो फिनिशिंग लुक आपको दिखाई देगा। मैंने भी क्या किया, ब्लो ड्रायर किया, या फिर आप स्ट्रेटनर की हेल्प से भी कर सकते हो, परफेक्ट वी कटिंग आपका नज़र आता है। अगर आपको परफेक्ट दिखाना है अपने क्लाइंट को, आप अगर बिगनर्स हो ना तो मेरी एडवाइस है आप स्ट्रेटनर से एक बार स्ट्रेट कर दो सारे बालों को, उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं ना वो कट कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपका परफेक्ट वी कटिंग लगता है। सो आई होप ये ट्रिक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ इतना कट हो जाने के बाद, कि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मेरी हेयर अच्छे से कट हुए या नहीं, सो एक ट्रिक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके बाद। सो देखिए पीछे से हमारे बाल कुछ इस तरह से लग रहे हैं, ये विदाउट सेटिंग है इसलिए कुछ बाल आपको लग रहे हैं ऊपर नीचे, बट ये परफेक्ट वी कटिंग है। सो देखिए अब मैं एक ट्रिक दिखाती हूँ आपको, क्या करना है, सारे बालों को लेना है इस तरह से, आपको पहले करना है देखिए इस तरह से अच्छे से, उसके बाद फिर से 2 सेक्शन में बालों को डिवाइड कीजिए। देखिए ध्यान से, और फिर से रीचेकिंग कीजिए बालों को, जो मैंने फर्स्ट टेक्निक बताया था ना कि सारे बालों को शोल्डर के पास लाके, सेम इसी तरह से इस बार कीजिए। और अगर आपके हेयर इक्वली कट लग रहे आगे में, यानी कि शोल्डर के जस्ट पैरेलल रख के, तो समझिए आपका हेयर कट परफेक्ट हुआ है। और अगर अभी भी आपको कोई बाल छोटे बड़े नज़र आ रहे हैं ना, समझिए आपका हेयर कट परफेक्ट नहीं हुआ। देखिए इस तरह से कोई भी हेयर एक्स्ट्रा लगे आप उसे कट कर दो, या फिर नोचिंग कर दो। सिंपली अगर एक्स्ट्रा हेयर नहीं दिख रहे, नोचिंग कर दीजिए फिनिशिंग लुक के लिए, एनफ है। देखिए ध्यान से, देखिए मेरी परफेक्ट लग रही है, बस हल्का फुल्का मैंने नोचिंग किया है। देखिए मैंने इस वीडियो में डिटेल में दिखाया है, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। सो अगर आपको परफेक्ट वी कटिंग सीखना होगा तो इस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हो। इसी तरह से दूसरे साइड भी मैंने कर लिया है गाइज, एकदम इजी वे में। सो गाइज देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से कट कर ली, अब हमारा जो वी कटिंग होता है वो एकदम परफेक्ट बन गया। इसके बाद बस मैंने लास्ट में ब्लो ड्रायर से सेट कर दिया, और ये है फाइनल रिजल्ट। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है। सो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिन्हें भी कटिंग सीखनी है, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।